एक्सरसाइज 4 का रासायनिक गतिकी चैप्टर का नाम है रासायनिक गतिकी। हम लोग इसके पहले भी 3 वीडियो पढ़ चुके थे, इसका 3 वीडियो देख चुके थे। तो इसमें हम लोग पार्ट 4 देख रहे हैं, एक्सरसाइज 4 का 4th वीडियो। इसमें हम लोग अभिक्रिया के वेग का व्यंजक, अभिक्रिया के वेग का व्यंजक का वर्णन करने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे आधारित प्रश्न हमेशा पूछा गया है और आने की भी संभावना रहती है। तो हम लोग अभिक्रिया के व्यंजक के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, अभिक्रिया के वेग के बारे में कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो अभिक्रिया का वेग जो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे इसके पहले वीडियो में, दो सेकेंड वीडियो में इसका देखे थे कि अभिक्रिया जो वेग होता है अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन का दर होता है या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन का दर। तो अभिकारक का सांद्रण हमेशा घटती है जबकि प्रतिफल का सांद्रण हमेशा बढ़ता है। तो अभिकारक का सांद्रण घटती है तो उसमें ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है, माइनस का चिन्ह लगा के हम लोग लिखते हैं, जबकि प्रतिफल का सांद्रण बढ़ता है इसलिए उसमें प्लस का चिन्ह लगा के लिखा जाता है। तो अब दर को हम लोग dr/dt द्वारा सूचित किया जाता है, वृद्धि या कमी को, दर मतलब वृद्धि या कमी। तो वृद्धि या कमी को d/dt द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि माना कि ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, a+bb+cc+dd। यहाँ पर a जो है अभिकारक a का कोफिशिएंट है, स्मॉल b जो है अभिकारक b का कोफिशिएंट है। तो a और b, कैपिटल a और कैपिटल b अभिकारक है और कैपिटल c और d प्रतिफल है और स्मॉल ए बी सी डी जो लिखा हुआ है वो उसका गुणांक है। इसको स्टोइकोमेट्रिक गुणांक भी बोला जाता है, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये मान लेते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है तो इसका हम लोग वेग व्यंजक निकालना चाहेंगे। तो वेग व्यंजक निकाला जाता है, क्या करते हैं हम लोग d/dt का प्रयोग करना है। प्रत्येक में जितना भी प्रतिफल हो या अभिकारक हो, जितना भी अभिकारक है या प्रतिफल है, तो प्रत्येक को d/dt में बड़ी ब्रैकेट के अंदर रख के सजाया जाता है। प्रत्येक को बड़ी ब्रैकेट में रख के और d/dt लगा के सजाया जाता है और जो कोफिशिएंट रहेगा, गुणांक रहेगा, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब बटा में कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग वेग व्यंजक इसका क्या लिखाएगा, वेग व्यंजक। एग्जाम में इस पे आधारित प्रश्न आता है, वेग व्यंजक किसे कहते हैं ये सब। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, पहले वेग व्यंजक निकालना सीखेंगे तब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो वेग व्यंजक हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे dx/dt, उसके बाद हम लोग अभिकारक, सबसे पहला क्या मिला, ए मिला, तो हम लोग ए के बारे में लिखेंगे। तो dA/A बड़ी ब्रैकेट में सांद्रण होता है, A का सांद्रण / dt, ये बतला रहा है अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन, ये बतला रहा है अभिकारक के साथ। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं एक और चीज का, देखते हैं प्रत्येक का अलग अलग दर हम लोग निकालना पहले सीखेंगे। A का वेग क्या होगा, B का वेग क्या होगा, C का वेग क्या होगा, D का वेग। हम लोग जानते हैं अभिकारक घटती है या प्रतिफल बढ़ती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो हम लोग देखेंगे पहले A के घटने का दर या इसी को हम लोग लिख सकते हैं लुप्त होने का दर, या हम लोग लिख सकते हैं नष्ट होने का दर, या हम लोग लिख सकते हैं कमी का दर। एग्जाम में इतना तरीका से पूछा जा सकता है, ए में कमी का दर, ए के घटने का दर, ए के लुप्त होने का दर, ए के नष्ट होने का दर। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, जब भी कमी का बोध हो तो हम लोग माइनस चिन्ह लगा के लिखेंगे, माइनस dA, जिसमें बोलेगा दर उसी को बड़ी ब्रैकेट में रख देना है, केवल d/dt लगा के बड़ी ब्रैकेट में रख देंगे। तो ये हम लोग का हो गया A के घटने का दर,
जी के बारे में बोलेगा, बी के कमी का दर, कमी का दर कब कमी होगा कब वृद्धि होगा ये भी निश्चित है। जब अभिकारक रहेगा तो कमी आएगा, प्रतिफल रहेगा तो वृद्धि होगा। तो बी के कमी का दर क्या हो जाएगा, कमी हो रहा है तो माइनस डी बटे डी टी, अब बड़ी ब्रैकेट में हम लोग क्या देंगे, देंगे बी दे देंगे। सी के बारे में, सी प्रतिफल है तो वृद्धि होगा, सी के वृद्धि का दर क्या हो, इसको लिख सकते हैं हम लोग वृद्धि का दर या बढ़ने का दर या बनने का दर, क्या क्या लिख सकते हैं, वृद्धि का दर या बनने का दर या बढ़ने का दर, इस तरीका से एग्जाम में आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, वन बटे सी डी सी बटे डी टी। उसी प्रकार से डी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो सी बनेगा क्योंकि वृद्धि होगा क्योंकि प्रतिफल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी के बनने का दर, तो बनने का दर इसमें भी क्या हो जाएगा, वन बटे डी क्या हो जाएगा, डी बटे डी टी। तो जब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग कमी या वृद्धि का दर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, डी बटे डी टी लगा के बड़ी ब्रैकेट में उसी का उसको हम लोग लिख देते हैं, कोफिशियंट का जरूरत इसमें नहीं पड़ता। तो हम लोग अभी अलग अलग सबका दर निकाल रहे हैं कि ए किस दर से किस गति से घटेगी या बी किस गति से घटेगी। अब हम लोग वेग व्यंजक निकालेंगे इसका, तो क्या निकाला जाता है, वेग व्यंजक में क्या करते हैं हम लोग, उसके गुणांक से भागा देके बराबर कर देते हैं, प्रत्येक के दर को उसके गुणांक से भागा करके बराबर कर देते हैं, तो उसी को हम लोग वेग व्यंजक बोलते हैं। तो वेग व्यंजक क्या हो जाएगा, dx बटे dt बराबर, सबसे पहले क्या मिला, a मिला, तो a के बारे में क्या हो जाएगा, माइनस वन बटा a, जो इसका कोफिशियंट है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, गुणांक जो है डिवाइड करेंगे, तो डी ए बाई डी टी, प्रत्येक को हम लोग लिख देना है केवल बराबर कर करके, प्लस माइनस नहीं बराबर करके, और जो अभिकारक रहेगा उसमें माइनस का चिन्ह देना अनिवार्य है, अगर जो माइनस का चिन्ह छूट जाता है तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग बी के बारे में देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, वन बटे बी डी बी बटे डी टी, इसको हमेशा बड़ी ब्रैकेट में ही देना है, बड़ी ब्रैकेट सांद्रण का बोध करता है। अब हम लोग सी के बारे में देखेंगे, तो प्रतिफल है तो माइनस नहीं लगाएंगे, डी सी बटे डी टी, उसके बाद लिखेंगे वन बटे डी 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 बटे डी टी। तो ये हम लोग क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग व्यंजक, अभिक्रिया का ही सभी क्रिया का वेग व्यंजक, जहां ये जो है वेग या गति का बोध करता है, वेग इसी को या करके हम लोग गति भी लिख सकते हैं, अभिक्रिया का गति या अभिक्रिया का वेग, इस पे आधारित हम लोग नोमेरिकल को देखेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी अभिक्रिया रहे, तो हम लोग इसमें देखे वेग व्यंजक निकालने के लिए। अब जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एच टू प्लस आई टू टू एच आई, ऐसा दे दिया जाए। अब इसमें कहे कि एच टू प्लस आई टू टू एच आई, पहले हम लोग को अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा, यदि संतुलित है तो ठीक है, यदि संतुलित नहीं रहेगा तो हम लोग अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, संतुलित है, देखते हैं एच दू गो इधर भी दू गो है तो संतुलित है। अब हम लोग इसका यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि एच टू के एच टू बढ़ेगा या घटेगा, तो हम लोग देखते हैं ये दोनों अभी कारक है, तो इसका मतलब है कि एच टू भी घटेगी और आई टू भी घटेगी, तो एच टू में कमी का दर, इसमें क्या निकलेगा, जब भी निकलेगा तो कमी का दर, वृद्धि का दर नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा के लिखेंगे और डी एच टू बटे डी टी, बड़ी ब्रैकेट में उसको रख देना है तो दर निकल जाएगा। आई टू में भी क्या होगा, आई टू में कमी का दर, तो क्या लिखा जाएगा, माइनस डी बटे डी टी या बड़ी ब्रैकेट में आई टू, एच टू में वृद्धि होगा तो क्या लिखेंगे, एच आई में वृद्धि होगा, प्रतिफल है तो एच आई में वृद्धि का दर, तो वृद्धि का दर क्या हो जाएगा, डी बटे डी टी या बड़ी ब्रैकेट में हम लोग एच आई लिखेंगे। तो ये हमारा ये क्या हो गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, अब इसी में वेग व्यंजक यदि लिखना रहेगा
वेग व्यंजक लिखना रहेगा, तो वेग व्यंजक में क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे प्रत्येक को एक साथ लिखेंगे, तो डी एक्स बटे डी टी, इसमें गुणांक नहीं है तो भागा देने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिख देंगे माइनस डी बटे डी टी, अब ब्रैकेट में एच टू बराबर माइनस डी बटे डी टी, अब ब्रैकेट में आई टू, और इसमें गुना है तो हम लोग भागा देंगे, वन बटे टू डी बटे डी टी, अब ब्रैकेट में एच आई, ब्रैकेट में गुणांक को नहीं लिखेंगे टू करके, ब्रैकेट में यहाँ पर टू देने की जरूरत नहीं है, तो ये इस एच टू आई डायरेक्ट यदि बोलेगा वेग व्यंजक तो हम लोग ये लिखेंगे, और यदि एच टू में कमी बोलेगा तो ये मतलब इसका संकेत ये होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वेग व्यंजक पर आधारित, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे रहे एन ओ प्लस ओ टू और एन ओ टू, एन ओ प्लस ओ टू एन ओ टू, इसको संतुलित करते हैं तो हम लोग दो से गुना करेंगे, इसमें दो से गुना कर देंगे तो एन दो गो हो गया, दो गो हो गया, ओ चार गो, यहाँ पर भी ओ चार गो, इसका कहे वेग व्यंजक, यदि इसमें ये दोनों में कमी का दर निकलेगा, एनओ में भी कमी का दर और ओ टू में भी कमी का दर निकलेगा, तो हम लोग क्या इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, तो पूछ सकता है एनओ में कमी का दर, कमी का दर, तो जब भी कमी का बोल अभिकारक है तो माइनस लगाना है, माइनस डी बटे डी टी, अब बड़ी ब्रैकेट में एनओ देंगे, ओ टू के बारे में कहेगा तो ओ टू में भी कमी ही होगा, ओ टू में कमी का दर, या हम लोग लिख सकते नष्ट होने का दर, तो क्या हो जाएगा माइनस डी बटे डी टी, अब बड़ी ब्रैकेट में ओ टू, एन ओ टू में वृद्धि होगा, तो क्या लिखा जाएगा एन ओ टू में वृद्धि का दर, तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस चिन्ह इसमें नहीं लगेगा, डी बटे डी टी ब्रैकेट में एन ओ टू, तो हम लोग क्या ध्यान देंगे कि जब कमी या वृद्धि का दर रहेगा तो गुणांक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेग व्यंजक निकालना रहे, वेग व्यंजक निकालना रहे तो गुणांक को भागा में करके सबको बराबर कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डी एक्स बटे डी टी, और क्या लिखेंगे डी बटे वन बटे टू, यहाँ अभिकारक है तो माइनस लगेगा, माइनस वन बटे टू डी बटे डी टी, बड़ी ब्रैकेट में एन ओ बराबर, इसमें भाग गुना नहीं है तो भागा नहीं देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे माइनस डी बटे डी टी बड़ी ब्रैकेट में ओ टू, फिर बराबर इसमें गुना है तो वन बटे टू चल जाएगा डी बटे डी टी और एन ओ टू, तो ये हुआ अभिकार, यहाँ पर हम लोग वेग व्यंजक डायरेक्ट लिखे हैं, तो अभिकारक रहेगा तो माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे, अभिकारक में माइनस चिन्ह लगाना है, अब प्रतिफल रहेगा तो अभी प्रतिफल रहेगा तो माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे। इस पे आधारित हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग एक और क्वेश्चन जैसे देखते हैं एन टू प्लस थ्री एच टू तीस, देखे टू एन एच थ्री, ये यहाँ पर देखते हैं इसका, तो ये दोनों अभिकारक और ये प्रतिफल है, तो डायरेक्ट हम लोग वेग व्यंजक देखते हैं क्या होता है, वेग व्यंजक ऐसे तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, एन टू में कमी का दर, एच टू में कमी का दर, एन एच थ्री में कमी का दर, लेकिन वेग व्यंजक डायरेक्ट यदि लिखना रहे तो क्या लिखेंगे डी एक्स बटे डी टी, ये दोनों में माइनस चिन्ह लगेगा तो माइनस डी बटे डी टी, अब बड़ी ब्रैकेट में एन टू, इसमें लग जाएगा वन बटे थ्री माइनस अभिकारक है इसलिए डी बटे डी टी और बड़ी ब्रैकेट में एच टू, थ्री को बड़ी ब्रैकेट में नहीं देना है, वो गुणांक है इसलिए वो भागा में जाएगा, यहाँ पर वन बटे टू डी बटे डी टी और बड़ी ब्रैकेट में एन एच थ्री, इस तरह से कोई भी प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना अनिवार्य है, पहले रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संतुलित कर देंगे, उसके बाद इसका वेग व्यंजक निकालेंगे, हमारे पर यहाँ पर हम लोग अब एक्सरसाइज फोर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके प्रत्येक वीडियो, इसके पहले भी हम लोग वेग वेग के बारे में वेग के बारे में हम लोग पढ़ा दिए थे अभिक्रिया का वेग के, तो प्रत्येक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ए टू जेड क्लासेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को दबाएं।